बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कनाडा। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो एक फ्रेंड की फरमाइश है, जिन्होंने मुझे मैसेज किया था। उनके लिए, आप सब के लिए, सिंगापुरियन राइस। इनके अज्जा मैं बता देती हूँ आपको। 3 कप उबले हुए चावल, 200 ग्राम नूडल्स उबले हुए, 1 किलो चिकन बोनलेस जो मैंने जूलियन कट में काट लिए हैं, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून सिरका, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून हॉट सॉस, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 कप केचप। ये सारे अज्जा जो हैं चिकन ग्रेवी के लिए हैं। नूडल्स के लिए हमें चाहिए अदरक कटी हुई, गाजर बारीक कटी हुई 1 कप, बंद गोभी 1 कप, हरी प्याज 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, हरी प्याज का सफ़ेद हिस्सा 1 कप, सोया सॉस 4 टेबलस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। और तड़के के लिए हमें चाहिए हरी मिर्च, लहसुन और कुटी लाल मिर्च। एंड में हम इसका सॉस बना लेंगे। तो सॉस के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है 1/2 कप मेयोनीज, 1/3 कप केचप, हॉट सॉस 1 टीस्पून, और काली मिर्च, नमक का हम चुटकी भर उसमें मिक्स कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना सिंगापुरियन राइस। एक पैन में हम ले लेंगे 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1/3 कप। तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें हम अपनी चिकन शामिल कर लेंगे। अब इसको हम इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए। देखें, पानी खुश्क होने लगा है और कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ शामिल कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह चिकन में मिक्स हो जाए। अब हम यहाँ पर सिरका शामिल कर लेंगे। ये हम सिरका यहाँ पर शामिल कर लेते हैं और साथ ही यहाँ पर हम सोया सॉस शामिल कर लेते हैं। अब हम नमक ऐड करेंगे। काली मिर्च, हॉट सॉस, वन कप केचप, लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसको मिक्स करके अच्छी तरह से इस तरह से भून लेंगे कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसका तेल थोड़ा सा ऊपर आ जाए। ये देखें, ये अच्छी तरह से भुन गया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। अब हम इस पे 1/2 ग्लास पानी डाल के इसको ढक कर 10 से 15 मिनट गलने के लिए छोड़ देंगे। तो हम इसको ढक देते हैं और 10 से 15 मिनट पकने देते हैं। ये देखें, चिकन ग्रेवी तैयार हो चुकी है ऑलमोस्ट। ये देखें, ये इतना गाढ़ा होना चाहिए। इसकी ज़रा चिकन देख लेती हूँ मैं। चिकन भी अच्छी तरह से गल गई है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये हमारी चिकन ग्रेवी पूरी तरह से तैयार है। ये देखें,
अब इसी सेम पैन में हम ले लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और इसको हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। अभी हम नूडल्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी चिकन ग्रेवी ऑलरेडी बन चुकी है, अब हम यहाँ पे नूडल्स की तैयारी कर रहे हैं। तेल गरम हो चुका है तो अब हम इसमें अदरक शामिल कर लेते हैं। ये रहे, चलो हम अदरक शामिल कर लेते हैं इसमें। थोड़ा सा अदरक को सौते कर लेते हैं। अदरक को सौते करने के बाद हम इसमें गाजर शामिल कर लेते हैं। गाजर को थोड़ा सा सौते करने के बाद हम इसमें बंद गोभी शामिल करेंगे। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और साथ ही शिमला मिर्च ऐड कर लेते हैं इसमें। ये नहीं जनाब, शिमला मिर्च ऐड कर लेते हैं। फिर हम शामिल करेंगे हरी प्याज का सफ़ेद हिस्सा। हरी प्याज का जो हरा हिस्सा है वो हम सबसे एंड में शामिल करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे। काली मिर्च पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब देखें, अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। ये अच्छी तरह से सौते होने के बाद हम इसमें अपने नूडल्स शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चलें जनाब, ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें अपने नूडल्स शामिल कर लेते हैं। नूडल्स को और सारी सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखें जनाब, ये सारी नूडल्स के साथ सारी सब्जियां मिक्स हो गई हैं। सारे मसाले भी लग चुके हैं, हर चीज़ रेडी है। ये हमारे नूडल्स तैयार हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे नूडल्स के टेस्ट को थोड़ा एनहेंस करने के लिए तिल के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है। साथ ही मैं यहाँ पे हरी प्याज का हरा हिस्सा शामिल कर लेती हूँ और इसको अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे। मेरे जनाब, नूडल्स आपके बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। और ये ले जनाब, आपकी चिकन ग्रेवी, वेजिटेबल नूडल्स और वाइट राइस बिल्कुल रेडी हैं। उससे पहले हम सॉस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए मेयोनीज, केचप और हॉट सॉस, काली मिर्च, नमक। अब हम ये तीनों चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। ये हॉट सॉस डाल लेते हैं। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो शामिल कर लेते हैं। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये देखें जनाब, ये कलर, ये टेक्सचर आया है, इतना गाढ़ा होना चाहिए। अब हम इसको इस जार में डाल लेते हैं।
ये हमारी सॉस तैयार हो चुकी है। अब हम तड़का बना लेते हैं इसका। तड़का तैयार करने के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून। ये देखें जनाब, ये तड़का हम ऊपर फैला लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। मज़ेदार सिंगापुरियन राइस रेडी हैं। चले जनाब, इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपको नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।